माय नेम इज़ सनीम आई होप यू आर आर फीलिंग वेरी वेल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम गोना शेयर द डिटेल ऑफ़ सी स्क्रीनिंग जिसे आप सी 2022 एस कहते हैं 2022 में जिसमें आपने अप्लाई करना है आपका पहले एम सी क्यू बेस्ड टेस्ट होगा सी एस एस स्क्रीनिंग अगर आप उसको पास करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फ़र्दर फॉर द रिटर्न एग्जाम ऑफ सी एस एस अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं देन आप आगे सी एस एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे इसका क्राइटेरिया क्या है एज लिमिट क्या है फीस स्ट्रक्चर क्या है ईच एंड एवरी थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ आई हैव प्रोवाइडेड माई व्हाट्सएप नंबर ऑन स्क्रीन यू मे कॉन्टेक्ट मी फॉर प्रिपरेशन आप प्रिपरेशन के लिए मेरे से रबता कर सकते हैं सी एस एस स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के लिए अब बढ़ते हैं फर्दर जो डिटेल्स हैं एफ पी एस सी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है ये एडवरटाइजमेंट है ठीक है और इसमें आप जो सी एस एस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में अप्लाई करना होगा स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन यानी अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है बाईस अगस्त दो हज़ार बाईस तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एम सी क्यू बेस्ड आपका टेस्ट होगा ऑन टू अक्टूबर संडे के दिन ठीक है और उसी शाम को आंसर की भी वेबसाइट पे एफ पी की वेबसाइट पे आपको दे दी जाएगी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने परसेंट किया है आया कि आपके मार्क्स पूरे आ रहे हैं आया कि आप सिक्सटी सिक्स मार्क्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे ठीक है टू हंड्रेड में से सिक्सटी सिक्स वाला पास होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ सिटीज़ मेंशन की गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मेंशन किया गया है आपके लिए एज लिमिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू तो थर्टी इयर्स अगर आप इस एज के दरमियान में हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फ़ॉर सी एस एस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और सी एस एस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी फर्दर कि एलिजिबिलिटी क्या होगी एज क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एज तो मैंने बता दी कि आप इक्कीस से तीस साल तक अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन जो आपकी चाहिए वो चाहिए सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन आपने की हो बीए लेवल की डिग्री चौदह जमातें आपने पढ़ी हो सेकंड डिवीज़न के साथ डोमिसल इज़ मस्ट ठीक है जहाँ पे आप रहने हैं और थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है तो ये है यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर ड्रेटर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन डोमिसाइल एक्सेट्रा इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रोसीजर जो है यह आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आप तकरीबन आठ अगस्त से बाईस अगस्त तक ठीक है एम सी ड्यूरिंग स्पेस्ड द पीरियड आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्क्रीनिंग के लिए आठ अगस्त से दो आठ अगस्त दो हज़ार बाईस से बाईस अगस्त दो हज़ार बाईस तक ऑनलाइन चलान फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है ठीक है वो एफ की वेबसाइट पे ये आप टाइप करें गूगल पे जाके तो आपको मिल जाएगा चालान फॉर्म क्लोजिंग डेट जो है वो बाईस अगस्त के बाद कोई भी अप्लाई नहीं कर सकेगा और सिलेबस जो है वो एफ की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके लिए भी आपको वेब वेबसाइट दे दी गई है और कैंडिडेट्स जो हैं कितनी फ़ी आपकी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ दो होगी सॉरी दो सौ पचास रुपये सिर्फ और सिर्फ ढाई सौ रुपये फ़ीस है आपकी और फी आपकी रिफ़ंडेबल नहीं है आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी इसलिए अगर आपने अप्लाई करना है तो देन अप्लाई करें रिफ़ंड का कोई सीन नहीं है ठीक है बाकी डिटेल्स जो हैं आपका सी एन आई सी होना चाहिए और बाकी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन जितनी इन्होंने मांगी है सी एन आई सी मस्ट है डोमिसाइल मस्ट है तो ये सारी डिटेल्स थी अप्लाई फॉर द सी एस एस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पहले स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करें टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं देन यू विल बी एलिजिबल आप इस काबिल हो जाएंगे यू मे सिट इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2023. थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टेक दुआ में याद रखिएगा कमेंट करना ना भूलें अपनी राय का इजहार करें आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़